दोस्तों, मैं आपसे बहुत ज़रूरी बात करने लगा हूँ। इंसान को आंख ना धोखा देती है, धोखा। मुझे 1989 में मैंने ग्रेजुएशन की, उसके बाद क्रिकेट के फील्ड में 15 साल गुजारे। कुरान की एक आयत है, वफिस समय रिस्क हुकुम वमा तुअदून, तुम्हारा रिस्क आसमानों में है। एक आयत है ना, रिस्क आसमानों में। एक मैंने चौदहवीं चांद की रात थी, मैंने तालाब के पास खड़ा हुआ था, मेरी नज़रों ने मुझे धोखा दिया कि चांद नीचे है। मैंने पानी में डुबकी मारी 89 में। जिससे आदमी धोखा खाता है, एक हमारा आदमी, एक लड़का, कभी उसने जुआ नहीं खेला, कैसीनो गया मेरा दोस्त, कैसीनो। तो कैसीनो में जाके हमने तो सबको फकीर होते देखा, मेरे कितने जानने वाले सड़कों पर भीख मांगते हैं। वो कैसीनो गया, उसने दूसरे के पैसे डाले मशीन में, $10 कॉइन लिए, पहला कॉइन डाला, मशीन पागल हो गई, दौड़ 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 $2,000 बाहर निकल गए। यार ये तो आसान काम, बातिल। यूं बातिल का सक्सेस फौरन शुरू हो जाता है, फौरन सक्सेस। और हक का जो है सक्सेस, वो लेट स्टार्ट होता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन हक है, आपको सक्सेस कहाँ मिला, जाके बदर में जाके, कितने साल गुजर गए। नूह अलैहिस्सलाम हक दीन है, आपको सक्सेस 950 साल में, 80 आदमियों ने कलमा पढ़ा, 950 साल 80 आदमियों ने। तो मेरे प्यारे दोस्त बुजुर्गो, आज दुनिया धोखा खा रही है, वजह है कि वो इस आंख से जो कि धोखा देती है अपनी लाइफ को गुजार रही है। मैं आपको एक मिसाल कुरान की दूं। कुरान में एक किस्सा है, एक नबी थे तालूत अलैहिस्सलाम। आपने कहा तालूत अपनी कौम को लो और जालूत से जाके जंग करो। आप जनाब जब ये जंग का हो गया, फौज तैयार हो गई 6 लाख, तो अल्लाह ने कहा तालूत हम तुम्हारी कौम का इम्तिहान लेंगे, इनको प्यास की हाजत डालेंगे। कोई नहीं, और चीज़ नहीं कि मोबाइल नया खरीदना, गाड़ी नई, नई प्रॉपर्टी नहीं, प्यास की हाजत जो जायज़ है। अल्लाह कह रहे मैं खुद डालूंगा, इतनी हाजत डालूंगा, लेकिन इनसे कहना पानी बिल्कुल ना पिए। अब एक तरफ अल्लाह का हुक्म, एक तरफ। अब जब कौम निकली जालूत से लड़ने, तालूत अलैहिस्सलाम की क़यादत में, तो आगे पहुंची, प्यास शदीद लगी, अब पानी पानी पानी, और सामने अल्लाह ने ज़बरदस्त नहर ठंडे पानी की जारी की। अब जैसे आज यूनिवर्सिटी में अल्लाह कह रहे हैं नजरें नीची करो, लड़कियों को मत देखो, और लड़कियां ही लड़कियां यूनिवर्सिटी में, अब क्या करें भी, लड़कियां देखते रहे देखते रहे देखते रहे देखते रहे, और लड़की यहां भी लड़के लड़के। देखो एक कुरान की आयत काफी होती है हमारे लिए, अल्लाह का एक हुक्म। हमारे एक जनरल साहब हैं, वो एक दूसरे जनरल के पास गए सर्विंग के पास, तो ये रिटायर्ड थे, तो बाहर उन्होंने अपने उसके सेक्रेटरी का कि अंदर ना जाना जब तक मैं ना बुलाऊं, तुम्हें जानता मैं कौन, कह जी मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ, कह अंदर मत आना। अब वो अंदर चले गए, तो जनरल जो सर्विंग था उससे कभी चाय पिला कुछ, उसने पूछा चाय पियो, हम कहा जरूर पियोगे, मंगवा दे। उसने बेल मारी तो उसने उसको सेक्रेटरी को आवाज़ दी पिए को, तो बेल बजी, फिर गपशप लगना शुरू। जनरल साहब ने बातों में लगा दिया ना जान के, 10-15 मिनट बातें हुई, वो जनाब भूल गए। तो जनरल साहब ने कहा चाय नहीं आई, की हो यार, जोर से जरा मुँह से गलत लफ्ज इस्तेमाल किया, लंबी बेल दी कि नहीं आया मैं अभी देखता हूँ, फिर बेल दी, फिर वो भूल गए 15 मिनट। अब जनरल साहब ने कहा यार ये तू इनका नौकर है या ये तेरा नौकर है, तूने दो बेले दी ये आ नहीं रहा, कहा मैं इसकी ऐसी की तैसी कर दूंगा। अब जाने लगे तो जनरल साहब ने बेटा मैंने इसको मना किया था, कहा क्यों, कहा तुझे ये एहसास दिलाना था ये एक मखलूक है, तू इसका मालिक नहीं, इसको आर्मी पैसे देती तू नहीं देता, ये थोड़ी देर के लिए तेरा खादिम है, तेरी दो बैलों पर ये नहीं आया, तुझे कितनी तफ है, तेरा रब रोजाना तुझे 5 बैले देता है, तू कितने सालों से नहीं गया, पता तेरे रब का क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्त बुजुर्गों, मसला ये है, अल्लाह ने कुरान में एक आयत है सिंपल, ए मोमिन मर्दों नजरें नीचे करो और शर्मगाहों की हिफाजत करो, ये अल्लाह का हुक्म है। लेकिन मसला ये है, डॉक्टर जितनी मर्जी परहेज करा दे, ये हलीम भी छोड़ दो, निहारी भी, रसगुल्ले भी, गुलाब जामुन भी, और 3 लाख रुपये भी दो, उसको पैसे दे के हलाल छोड़ते हैं, अल्लाह फ्री में हलाल हराम छोड़वाते हैं, हमसे हराम नहीं छोड़ते, कि अल्लाह की अजमत और कदर हमारे दिल से निकल। सारी दुनिया में अजाब आए हुए हैं, परेशान हैं लोग, हमारी बारिशें रुकी हुई हैं, जलजले सैलाब आ रहे हैं, मुसलमान आपस में लड़े, पूरी दुनिया पीट रही है। फुटबॉल को जैसे ठुड्डे पड़ते ना, इधर सिक्के उधर, उधर सिक्के किधर, क्यों पड़ते हैं खुद फुटबॉल को टेक ठुड्डे, कभी आपने देखा ईंट से कोई फुटबॉल खेल रहा है, पागल हो गया तो अपना पैर टूट जाएगा। फुटबॉल को ठुड्डे इसलिए पड़ते हैं, फुटबॉल बाहर से खूबसूरत, अंदर से बिल्कुल खाली होती है। मुसलमान ने आज फुटबॉल की तरह बाहर की ज़िंदगी खूबसूरत बनाने को शुरू कर दिया और ईमान अमल को छोड़ दिया। अल्लाह ने सारी दुनिया का ठुड्डा इसको बना दिया, सारी दुनिया इसको मार रही है, ऊपर से अल्लाह भी नाराज, कभी जलजला, कभी सैलाब, कभी बारिशों के वक्त बदल रहे, कभी आपस में लड़वा रहे, हर मैं जिस इलाके में तो हर घर में लड़ाई हो रही है। क्या हम हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हर घर में लड़ाई। मैं भी इस्लामाबाद गया कोर्ट में,
तो उससे जज साहब, जो मैंने बात की, जज साहब सच बताएं आपके कोर्ट में बाहर की लड़ाइयाँ कितनी हैं, रिश्तेदारियों की लड़ाइयाँ कितनी, 70% कोर्ट केसेस रिश्तेदारों के आपस में, बीवी ने शौहर पे केस किया, शौहर ने बच्चों पे, बच्चों ने माँ बाप पे, अल्लाह ने सब, अल्लाह फरमाते हैं तुम्हारे अंदर नफरत डाल के तुम्हें आपस में लड़वाऊंगा, मेरे प्यारों इस पर मुसलमान पे कौन सा अजाब नहीं है। और ये अल्लाह का एहसान करम है जो अल्लाह छोटे छोटी परेशानियाँ भेजते हैं, क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं कि मैं दुनिया में छोटे 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 अजाब, छोटी परेशानियाँ, मुसीबतें तुम्हें इसलिए भेजता हूँ ताकि तुम मरने के बाद के बड़े अजाब से बच जाओ, और मैं क्यों करता हूँ ताकि तुम अल्लाह की तरफ रुजू कर लो। तो तालूत अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, अल्लाह ने प्यास की हाजत शुरू कर दी, अब प्यास लगी, अल्लाह ने कहा पानी ना पीना बिल्कुल, हाँ बहुत प्यास लगी, इतना पी लेना जितना इस चुल्लू में आता है, बस इससे ज़्यादा ना पीना। अब 313 लोगों ने नबी की बात मानी, और अक्सर यही होता है, मानने वाले थोड़े होते हैं, नाफरमान ज़्यादा होते हैं, अक्सर ये होता है। नूह अलैहिस्सलाम की हज़ारों की तादाद, कितने 80 लोगों ने कलमा पढ़ा, ये अक्सर होता है। तो उन्होंने क्या किया कि उनके साथ 313 अलग हो गए, नबी की बात मानी, बाजों ने पिया नहीं, बाजों ने थोड़ा पिया, अल्लाह उनकी प्यास को भी बुझा दिया और उनको जालूत से फतेह भी दिला दी, और बाकी जितने थे लाखों में उन सबों ने पानी पीना शुरू किया, वो पानी पीते गए प्यास बढ़ती गई, पानी पीते गए प्यास बढ़ती गई, पानी पीते गए प्यास बढ़ती गई, ना उनकी प्यास बुझी और वो दुनिया में भी बर्बाद हो गए, आखिरत भी बर्बाद हो गए। मैंने ये 25 साल की ज़िंदगी गुजारी है, मैंने हर प्यास को बुझाने की कोशिश की है, लेकिन ये ज़ालिम दुनिया प्यास बुझाने की जगह नहीं मेरे प्यारों। मैंने हर लाइन की प्यास, गाड़ियों की, मकानों की, जो लाइन है जो लोग बता रहे हैं यहाँ कामयाबी, यहाँ कामयाबी, और मैं तो एक छोटा सा आदमी था, मैंने आसपास दुनिया के बड़े बड़े लोग देखे, मैंने एक आदमी को भी कामयाब होते, क्यों कि जैसे चाय बनाने वाले ने चीनी नहीं डाली, हम जितना मर्जी वो घोलते रहे चारों तरफ वो नहीं मीठी होगी, अल्लाह ने इस कायनात में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें हमारे हालात का ताल्लुक रखा है, इससे हालात ठीक होंगे, घर बना लो हालात ठीक होंगे। देखो दुनिया की मेहनत से घर बन सकते हैं, खुशियां नहीं आ सकती, बड़े बड़े घर हैं खुशियों से खाली, बड़ी बड़ी सिक्योरिटी हिफाजत से खाली, दुनिया के टॉप डॉक्टर्स दोस्त हैं शिफा से खाली, ये सारी चीजें असबाब दिला सकती, हालात नहीं बदल सकते, हालात अल्लाह ने अपने कंट्रोल में रखे, असबाब हमारे हालात में दिए, हाथ में दिए। आज सारी दुनिया परेशान है मेरे प्यारों, देखो इस उम्मत का एक फितना अल्लाह के नहीं का माल होगा, माल मुझे माल कोई माल फितना मतलब इम्तिहान है, माल कोई बुरी चीज थोड़ी है, माली ने तो हजरत उस्मान गनी को उस्मान गनी बनाया, माली ने तो अब्दुलरहमान बिन औफ को अशरफ मुबशरा बनाया, माली ने तो हजरत उस्मानी को अशरफ मुबशरा बनाया, माल गलत चीज थोड़ी है, हुकूमत ने तो हजरत अबू बकर सिद्दीक को और हजरत उमर को हजरत अली को इनको जन्नत अशरफ मुबशरा बनाया, ये हुकूमत गलत चीज थोड़ी है। हमारा मसला है हम सबब में पड़ गए, सबब तो एक खाली प्याला है, सबब से खैर निकाल दें, सबब से शर निकाल दें, यह अल्लाह ने अपने कंट्रोल में रखा है, क्योंकि ये सारा देखो अल्लाह ताला चाहते हैं, कुरान का वाकया, पहाड़ी से हामला उठनी निकाल दें, ऊँट और उठनी तो है ही नहीं, वो तो सबब है ही नहीं, ऊँट और उठनी मिलेंगे तो ऊँट बनेगा, हामला उठनी निकाल दी पहाड़ से, अल्लाह ने बगैर माँ बाप के आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कर दिया कोई सबब नहीं, अल्लाह ने बगैर बाप के ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा कर दिया कोई सबब नहीं, सबब के खिलाफ कर दिया, हजरत मरियम को बगैर मौसम के फल खिला दिया, बगैर सबब के खिलाफ। मेरे प्यारे दोस्तों मसला सारा ये है, माल की मुझे भी ज़रूरत है, लेकिन देखो माल देखो ये जो हमने माल हमने देखा है दुनिया में लोग माल कमा रहे हैं, अरबपति करोड़पति हैं देखा, लेकिन हालात क्यों सही नहीं, कि जो माल जिस लाइन से हम कमा रहे हैं मेरे प्यारों वो माल परेशानियाँ मुसीबतें। मेरा एक जानने वाला है दुबई में, उसने अपने बेटे को नई फरारी दिलाई, कोई 5-6 करोड़ की गाड़ी, वो बाबा ने कहा जाओ वो स्पोर्ट सिटी में जाओ ड्राइव करके आओ फिर बताओ, उसने ड्राइविंग शुरू की, वो गाड़ी उसकी किसी दरख्त से लगी, वो फार्मूला 1 के पास कोई दरख्त था, वो 2 टुकड़े हुई, वहीं गाड़ी को बच्चे को भी आग लग गई, बताओ ये माल शर बना या खैर बना। मेरा एक दोस्त दुबई में, वो सऊदी में अपने 3 बच्चे और एक दोस्त, 3 बच्चों को नई मर्सिडीज एस क्लास दिलाई, नई गाड़ी ब्रेक फेल हो गई, वो जो दोस्त था उसे छलांग मार दी, 3 बच्चे 1-1 घंटे के बाद अस्पताल में इंतकाल हो गए। माल खैर लाया शर लाया मेरे प्यारे, आज हमारे असबाब खैर नहीं ला रहे, सारी कायनात हमारे खिलाफ चल रही, सारी कायनात हमारे खिलाफ है, हर घर में लड़ाई हो रही, आपस की नफरतें, माल में बरकत नहीं, जिंदगी में बरकत नहीं, अस्पताल हमारे भरे, पागलखाने भरे, जेल भरे, कोर्ट कचहरी भरे, क्यों हमें समझ नहीं आ रहा, हम फिर वही लाइन, और हम ये देख नहीं रहे कि हमसे आगे जो इस लाइन में गए उनका क्या हाल है,
मैंने आपको कहा ना दुनिया में आरजी कामयाबी मिलती है। सामने से लड़की गुजरी, उसको देखा, आरजी खुशी मिली 5-10 मिनट की, उसके बाद 24 घंटे के लिए खोपड़ी घूम गई। अब दिल बेचैन हो गया, परेशान लेटा, वो खोपड़ी घूम गई। आरजी कामयाबी, मच्छर ने काटा, खुजली में मजा आ रहा है, आरजी कामयाबी, खुजा रहा है। लेकिन ये जख्म को बर्बाद कर रहा है। दुनिया में अल्लाह ने आरजी कामयाबी रखी है। मैंने 25 साल उसमें तलाश की, वो टेम्पररी मैंने नया मोबाइल निकाला, जबरदस्त लेटेस्ट मर्जी का मोबाइल, एक सैमसंग, एक ब्लैकबेरी, एक आईफोन, तीनों टॉप ऑफ द लाइन मोबाइल मेरे पास एक वक्त में थे, एक जमाना था। मैंने उनको चंद दिन इस्तेमाल किया, चंद दिन मजा आया, खेला कूला, ये डाउनलोड वो डाउनलोड, ये प्रोग्राम डाला, 15 दिन बाद तीनों बेचैन किया तीनों। मैं कहा बेचो इनको नुकसान में, मैंने अगले 3 मोबाइल खरीद लिए। ये मैंने सालों किया है, क्योंकि मैं हर वक्त इंटरनेट और मैगजीन में एड्स देखता था, नया नहीं ये सही ये सही। मैंने दुनिया की हर गाड़ी इस्तेमाल की है, खरीदी है, टेस्ट ड्राइव लिए, किराए पे लिए। अब यहाँ तो हम महंगी गाड़ी ने अमेरिका किराए पे ले ली, एक दिन का किराया $50, कोई मसला नहीं। पोर्श ले लो, मैंने हर गाड़ी चलाई, चंद घंटों दिनों के मजे। मैंने घर बना बना के बेचे हैं, चंद दिनों के मजे, उसके बाद वही घर तंग करते हैं। मेरे प्यारो, सुकून, चैन, इत्मीनान, खुशियाँ सब वो दीन में है। आसान आपको बताता हूँ, देखो आमाल जिंदगी बनाएंगे, आमाल से हालात ठीक होते हैं, ये बात हमें समझना है।